ओके एक मिनट एक मिनट आई हम चेक इन करेगा ना धन्यवाद अरे हाथ तो मिलाओ उसे कहती है मजदूर। सुप्रभात माननीय प्रधानाचार्य ब्रदर्स शिक्षकगण कर्मचारीगण एवं छात्र छात्राएं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। मजदूर दिवस के उपलक्ष में आज आपके समक्ष एक विशेष सभा का आयोजन किया जा रहा है। इस सभा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, साथ ही मजदूर दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। इस सभा की शुरुआत कक्षा 11 के छात्र सहर्ष पांडे एक सुंदर कविता से करने जा रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम उन सभी कर्मचारियों श्रमिकों को सम्मान देने के लिए आयोजित किया गया है जिनके अथक प्रयासों ने हमारे जीवन को सुखद और आरामदायक बनाया है। अक्सर हम खाने की तारीफ तो करते हैं लेकिन उसे बनाने वाले को भूल जाते हैं। महलों की नकाशी तो हमें आकर्षित करती है लेकिन हम उसके पीछे छुपे अथक प्रयासों को महसूस नहीं कर पाते हैं। आज इस अवसर पर मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता के माध्यम से श्रमिकों की कला और अदम्य साहस को याद करना चाहूँगा। मैं मजदूर मुझे देवों की बस्ती से क्या अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। मैं मजदूर मुझे देवों की बस्ती से क्या अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। अंबर पर जितने तारे उतने वर्षों से मेरे पुरखों ने धरती का रूप सवारा। धरती को सुंदरतम करने की ममता में बीत चुका है कई पीढ़ियां वंश हमारा। और अभी आगे आने वाली सदियों में मेरे वंशज धरती का उद्धार करेंगे। इस प्यासी धरती के हित में ही लाया था हिमगिर चीर सुखद गंगा की निर्मल धारा। मैंने रेगिस्तानों की रेती धो धोकर वंध्या धरती पर भी स्वर्णिम पुष्प खिलाए। मैं मजदूर मुझे देवों की बस्ती से क्या अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। अपने नहीं अभाव मिटा पाया जीवन भर पर औरों के सभी अभाव मिटा सकता हूँ। तूफानों भूचालों की भय प्रतिछाया में
मैं ही एक अकेला हूँ जो गा सकता हूँ। इतना समय नहीं मुझको जीवन में मिलता, अपनी खातिर सुख के कुछ सामान जुटा लूं। अपने घर के अंधकार की मुझे न चिंता, मैंने तो औरों के बुझते दीप जलाए। मैं मजदूर मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। मैं मजदूर, मैं मजदूर। धन्यवाद। कक्षा 10 व 11 के छात्र आपके समक्ष एक सुंदर गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मजदूर श्रम और श्रमिक दिवस को समर्पित इस विशेष दिवस पर मौजूद सभी साथियों और आदरणीय गुरुजनों को मेरी ओर से सुप्रभात। जैसा कि हम सब जानते हैं, मजदूर या श्रम दिवस दुनिया भर में 1 मई को मनाया जाता है। यह दिवस उस श्रमिक वर्ग को समर्पित है जो अपना खून पसीना बहाकर अथक परिश्रम करके विश्व के विभिन्न हिस्सों में अपने अपने देशों की प्रगति में अपना अमूल्य योगदान देते हैं। पूर्व काल में कामगारों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। मजदूर 10 से 15 घंटे कार्य करते थे। उनके कार्यस्थल इतने विषम व प्रतिकूल होते थे कि आए दिन मजदूरों की अकस्मात मृत्यु हो जाती थी। इन्हीं परिस्थितियों के चलते अमेरिका में कई श्रमिकों, समाज सुधारकों तथा समाजवादी संघों द्वारा
मजदूरों के कल्याण के लिए आवाज उठाई जाने लगी। इस दिन को पूरे विश्व भर में 1 मई 1886 को स्मरण करने के लिए मनाया जाता है। उस दिन शिकागो के हे मार्केट चौक में बड़ी संख्या में मजदूर अपने 8 घंटे से अधिक कार्य कराने के कारण हड़ताल पर थे। तभी अचानक भीड़ में किसी व्यक्ति ने एक बम फेंक दिया। इस घटना से वहां मौजूद पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके कारण 4 श्रमिकों की मृत्यु हो गई। इसके बाद दी इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया कि 1 मई को हे मार्केट नरसंगा में मारे गए श्रमिकों की याद में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाएगा। उसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पूरे विश्व में लोगों द्वारा बहुत धूमधाम से मजदूरों के सम्मान के लिए मनाया जाता है। इस दिन जगह जगह श्रमिकों के लिए बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं तथा मजदूर कल्याण के लिए कई योजनाएं भी की जाती हैं। इस पर्व का महत्व इसी से समझा जा सकता है कि आज हम जिन अधिकारों का इतनी आसानी से इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे पहले उनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। जैसे कि आज भी हम हफ्ते में 7 दिन कार्य कर रहे होते, लाखों करोड़ों बच्चे अभी भी बाल श्रम का दंश झेल रहे होते। इसीलिए इस दिन का बहुत महत्व है, क्योंकि इस दिन की वजह से श्रमिकों के काम के घंटों में कमी और कार्यबल की उपलब्धियों का आधार बना है। अतः हम सभी को मजदूर वर्ग की रक्षा करनी चाहिए। इस दिन को श्रमिकों के प्रयास, गतिविधियों तथा सच्चे समर्पण को पहचानने के लिए करना चाहिए। अंत में इस अवसर को मनाने तथा मेरे साथ अपने विचारों को साझा करने की आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। आप कक्षा 11 के छात्र हर्षदीप एक कविता प्रस्तुत करेंगे। मैं एक मजदूर हूँ, भगवान की आंखों से मैं दूर हूँ। छत खुला आकाश है, हो रहा बिजपात है, फिर भी निर्दिन मैं गाता राम धुन हूँ। कर रहा प्रहार है, सामने पड़ा हुआ बच्चा क्राह रहा है, फिर भी अपने में मगन कर्म में तल्लीन हूँ। मैं एक मजदूर हूँ, भगवान की आंखों से मैं दूर हूँ। आत्मसंतोष को मैंने जीवन का लक्ष्य बनाया, चिथड़े फटे कपड़ों में सूट पहनने का सुख पाया। मानवता जीवन को सुख दुख का संगीत है, मैं एक मजदूर हूँ, भगवान की आंखों से मैं दूर हूँ। मैं मजदूर हूँ, किस्मत से मजबूर हूँ, सपनों के आसमान में जीता हूँ, उम्मीदों के आगन को सींचता हूँ। 2 वक्त की रोटी खाने के लिए अपने स्वाभिमान को नहीं बेचता हूँ। तन को ढकने के लिए फटा पुराना लिबास है, कंधे पर जिम्मेदारी है, मुझे इसका एहसास है। खुला आकाश है, छत मेरा बिछौना मेरी धरती है, घास फूस की झोपड़ी में सिमटी अपनी हस्ती है। गुजर रहा जीवन अभावों में, जो दिख रहा प्रत्यक्ष है, आत्मसंतोष ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। गरीबी और लाचारी से जूझ कर हंसना भूल चुका हूँ, अनगिनत तनावों से लदा हुआ आंसू पीकर मजबूत बना हूँ, धन्यवाद। आपका कक्षा 12 के छात्र संकल्प शर्मा मजदूर दिवस पर अपने विचार प्रकट करने जा रहे हैं। सुप्रभात। किसी भी देश की तरक्की उस देश के किसान तथा कामगारों पर निर्भर होती है। एक मकान को खड़ा करने और सहारा देने के लिए जिस तरह मजबूत नींव की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही किसी समाज, देश, उद्योग, संस्था, व्यवसाय को खड़ा करने के लिए कामगारों को विशेष भूमिका होती है। मजदूर दिवस विश्व का एक प्रचलित उत्सव है। मजदूर दिवस की शुरुआत हुए 125 साल से अधिक का समय बीत चुका है। यह दिवस उस श्रमिक वर्ग को समर्पित है जो अपना खून पसीना बहाकर अथक परिश्रम करके देश की प्रगति में अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं। मजदूर दिवस पर छुट्टी घोषित की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन द्वारा इस दिन सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। मजदूर वर्ग किसी भी समाज का अभिन्न और महत्वपूर्ण अंग होता है। उन्हें सर्वदा सम्मान देना हम सभी का कर्तव्य है। अगर किसी जगह पर मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा हो या उन पर अत्याचार हो रहा हो, तो उस बात को सार्वजनिक करना और उस अनीति के खिलाफ आवाज उठाना हर जिम्मेदार नागरिक का फर्ज है। हमारे संगठन के लिए हर कर्मचारी की कड़ी मेहनत का महत्व बहुत ज्यादा है तथा हम उन्हें समान अधिकार देने में विश्वास रखते हैं। हमारी संस्था श्रमिकों के अधिकारों को बखूबी पहचानती है, लेकिन कई संस्थाएं ऐसी भी हैं जो अपने कर्मचारियों से बेहिसाब काम लेती हैं। ये महत्वपूर्ण है कि संगठन केवल लाभ पैदा करने के इरादे से ही संचालित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे अपने कर्मचारियों की आवश्यकता और जरूरतों का भी ध्यान रखना चाहिए।
जिसके बिना संस्था अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकती। साथ ही श्रमिकों को भी अपने संगठन की कार्य संस्कृति का सम्मान करना चाहिए और संगठन की आचार संहिता के अंतर्गत रहते काम करना चाहिए। श्रमिक दिवस पूरे विश्व में एक ऐतिहासिक महत्व बन गया है और विश्व भर में श्रमिक संघों द्वारा इसे मनाया जाता है। श्रमिक हमेशा हमारी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं और वास्तव में वे अपने काम के लिए सम्मान के भी हकदार हैं। ये दिन एक विशेष अवसर है जब दुनिया भर में मजदूर वर्ग और मजदूरों की सच्ची भावना का सम्मान किया जाता है। अंत में मैं आप सभी को श्रमिक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। कक्षा 9 के छात्र अब आप सभी के लिए एक सुंदर गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कुछ पाने की हो आस पास कोई अरमान हो जो खास खास आशाएं कोशिश में हो बार बार कर दरियाओं को आर पार आशाएं तूफानों को छीन ले मंजिलों को छीन ले आशाएं खिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी आशाएं खिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी आशाएं खिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी गुजरे ऐसे हर रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात आशाएं लेकर सूरत से आग आगाए जा अपने राग राग आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश हो जाए खुदा आशाएं खिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी आशाएं खिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी आप सभी के चहेते गोपाल भैया एक कुमावनी गीत प्रस्तुत करेंगे। आपसे अनुरोध है कि तालियों के साथ Sabina, 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 Sab
सभी का मनोरंजन करें। I want you to sing a song. I sing a song. You can make a mistake. I pardon you. Okay, sir. Little twinkle star, how I wonder what you are, and above the world so high, like a diamond in the sky. When the morning sun is set, and the grass dew is wet, then you show your little light, twinkle twinkle all the night. In the moment, Yeah.
को मेरा प्यार पुकारो। ममता जी आपके समक्ष एक सुंदर कुमारी गीत प्रस्तुत करने जा रही हैं। वर्षों से इस संस्था में जुड़े हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जीवन भैया का। उपस्थित प्रधानाचार्य, ब्रदर्स, शिक्षकगण, बच्चों और मेरे साथियों, नमस्कार। आज इस मंच से मैं समस्त स्कूल प्रबंधन व बच्चों का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने हम सभी लोगों को सम्मान देने के लिए इतनी सुंदर सभा का आयोजन किया। आज इस मंच से मैं यहां उपस्थित सभी लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले समय में हम सभी कर्मचारी सेंट जोसेफ कॉलेज को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से आप सभी लोगों का धन्यवाद। अंत में मैं प्रधानाचार्य ब्रदर हेक्टर पिंटो से दो शब्द कहने का अनुरोध करता हूँ। डियर बॉयज, माय हिंदी इज वेरी हाई एंड वेरी शुद्ध एंड दे विल नॉट अंडरस्टैंड, सो आई आस्क मिस्टर जोशी to speak on behalf of me. सुप्रभात, आप सभी को आज श्रमिक दिवस की उपलक्ष्य में सभी स्कूल परिवार की तरफ से जो हमारे कर्मचारी स्कूल कर्मचारी वर्ग हैं उनके स्वागत के लिए मैं बहुत बहुत सभी स्कूल परिवार की तरफ से बधाई देता हूं। आज श्रमिक दिवस
आज जो हमारे कर्मचारी वर्ग हैं, जो कि इस स्कूल में कार्यरत हैं और अपना जी जान लगा के इस स्कूल की सेवा करते हैं, उनके लिए आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके इतना अच्छा आयोजन किया है, उसके लिए मैं सदा आप लोगों का आभारी रहूँगा। दूसरा एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, जिस प्रकार से कहा जाता है कि चोली दामन का साथ, यानी कि एक स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन हमारी एक संस्था है, चाहे वो फैक्ट्री है, स्कूल है, कोई भी चीज़ है, जो वर्कर से हमारा जो कर्मचारी है उसी से उसकी प्रोग्रेस होती है कोई भी चीज़ की, तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैं अभी आपको स्कूल से संबंधित कर्मचारियों के लिए बताऊंगा। जो भी कर्मचारी हमारे स्कूल में किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, चाहे वो मेस स्टाफ है या सफाई कर्मचारी हैं या और कर्मचारी हैं, जैसे कारपेंटर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, प्लम्बर हैं, कहीं पर भी किसी क्षेत्र में भी अपना कार्य कर रहे हैं, सब मतलब संतुष्टि होकर, मतलब किसी के लिए भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। आज के हिसाब से मैं देखा, मैं भी अभी नया आया हूँ स्कूल में, मुझे एक साल हो गया है यहाँ पे देखते हुए, मगर काफ़ी अच्छा, मतलब हर साइड से कहीं पर किसी प्रकार की कोई शिकायत का मौका नहीं दिया गया है। एक वर्कर्स या मतलब एक कर्मचारी कहा जाएगा श्रमिक, उसमें दो तीन प्रकार के गुण होने आवश्यक हैं, जैसे कि ईमानदार, एक ईमानदारी, ठीक है नहीं, यहाँ पे बच्चों के डोमेट्री में भी साफ सफाई करते हैं सफाई कर्मचारी, बच्चों के लॉकरों में भी जाते हैं, क्लासों में भी जाते हैं, काफ़ी सामान बाहर पड़ा रहता है, मैंने अभी एक साल के अंदर कभी नहीं सुना कि हमारा यह सामान किसी ने चोरी कर दिया, सबसे बड़ी बात ईमानदारी। अगली बात, कहीं पर भी कोई भी मतलब काम दिया जाए इनको, उसको मतलब वफादारी के साथ उसको पूरा करते हैं। एक छोटी सी घटना जो कि घटी कुछ दिन पहले, मैं आपको बताता हूँ वफादारी का एक मतलब, एक हमारा वर्कर से कर्मचारी, उसकी मैं एक मिसाल दूंगा आपको। काठगोदाम रेलवे स्टेशन की घटना है, हमारा एक कर्मचारी जो कि दिल्ली के लिए जा रहा था, सुबह 8:50 पर ट्रेन थी उसकी, और यहाँ से अध्यापिका महोदय भी हैं यहाँ की, जो कि अभी प्रेजेंट हैं, और कर्मचारी भी प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जब वो गए थे तो अध्यापिका जी का थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब था और उनका उनके हाथ में बैग था, और वो बेचारी क्या है कि वो ट्रेन लगी हुई थी मगर चंडी माई वो नीचे गिर गई और बेहोश हो गई थी वहाँ पर, मगर वो कर्मचारी जो था हमारा वो अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहा था, मगर उस समय वो स्टेशन में था, उसने देखा तो उनको उन्होंने कहा कि ये तो हमारे स्कूल के हैं, तो उनको क्या करा, उन्होंने उठा के उनको पानी पिलाया और बाकायदा जहाँ पे उनकी रिजर्वेशन था बोगी में बैठा के आया, मगर वो अध्यापिका उनको नहीं पहचान पाई, मगर उन्होंने बाद में अपना परिचय दिया, क्योंकि जरा उनका काम करने का तरीका उनका अलग अलग थोड़ा दूरी है, मगर बाद में पता चला कि तो सेंट जोसेफ कॉलेज के अध्यापिका हैं और ये कर्मचारी सेंट जोसेफ कॉलेज के हैं। तो मुझे बड़ा खुशी हुई, अनुभव हुआ कि चलो स्कूल के अंदर तो करते हैं काम, और बाहर भी उन्होंने एक अच्छा एग्जाम्पल पेश किया, एक मतलब बहुत बढ़िया एग्जाम्पल पेश किया, बहुत खुशी होती है इस बात की। बाकी आप जितने भी कर्मचारी वर्ग हैं, आप लोग के काम से पूरा स्कूल प्रशासन, स्कूल स्टाफ सभी प्रसन्न हैं, ठीक है, इसी तरीके से आप लोग कार्य करते हैं। बाकी आपका मैं ज़्यादा समय ना लेकर अपने संबोधन को इधर ही विराम करता हूँ, धन्यवाद। थैंक यू जोशी, of course even beyond my script, but he was very good, gave a good message. The one thing that I have to remember is the dignity of labor. Any job that we do, it is very sacred, and therefore all these staff members, you know, you have to treat them with respect, not to make fun of them. I have seen some of the boys making fun of some of our workers. It is not right. They are very old. You will know if these fellows do not come for one day, how difficult for us to live. So we let us pray for them, let us thank them. Second thing is also we have to make their job lighter. They have their family, sometimes you throw things around, you give them unnecessary extra work. Now think of them, think of their own family members and make their job lighter by not throwing things.
जोशी जी ने थैंक यू बोला, थैंक यू वेरी मच ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द स्टाफ मेंबर्स, मैनेजमेंट एंड स्टूडेंट, आप बहुत इंपॉर्टेंट है. And two, three announcements is very hot. I will not go and mention the names. I want to thank all the coordinators, the students, the music. And they're taking a lot of trouble to make their day. Today is their day. We have Children's Day, Teachers' Day, and today is their day. All of you cooperated. You are very, very patient. It's quite hot. Thank you. The one or two announcements, those who are in the gymnastics, many of the day scholars have been absent. All those who are in the gymnastics, after the assembly, please go to the gym. Second, all the boys have to, when you come from home and when you go home, you have to wear your full track suit. In the class is different, but when you come and when you are representing St. Joseph's. And our sports is coming up, just 16 days left. And we are dedicating this sports especially for the martyred soldiers of India, and Adhikari Naik Semite, we are proud of him, and all, we have got many students, ex-students who are in the defense forces, and therefore do it well. Your parents come. This year the sports will be a little shorter than last year. We need your cooperation. We have to work as a team. Our music room is getting ready, and those who are interested in music, guitar, drums, whatever is it, please give your names to music sir, Mr. Roy. And I will not call them in there. We also, I am happy to announce that our school team won the governor's inter-school golf tournament, which was held on Sunday. Please, all those golfers, just come here. Their prizes have not been given. We will give them. Come here so that everyone sees you. All those boys who participated in the golf, come fast and give them a big hand. Give them a big hand. We are very proud of them. This is the second win for the year 2019. And thank you very much. When we get the prizes, we will distribute. Okay? Thank you. And our cricket tournament team is getting ready for the tournament. We wish them good luck. It's not the winning, but give your best. Never give up. Same way in Asansol, our teams will go in July. Basketball team, table tennis team, and two football teams will be going there. So practice hard. Thank you. अब अंत में मैं आप सभी से अनुरोध है कि विद्यालय गान व राष्ट्र गान के लिए सावधान की मुद्रा में खड़े होने की कृपा करें.